अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दो दिन हो गए हैं अनिया गए, तो अब मेरे भी जाने का टाइम आ गया है। मुझे भी जाना, अनिया के पास नहीं जा रहा, मैं कहीं और जा रहा हूँ। उसकी डिटेल्स आपको साथ साथ मैं देता रहूंगा। ये फ्लाइट है लंदन से, लंदन यहाँ से तकरीबन कोई 1.5 घंटा 2 घंटा दूर है, तो मैंने यहाँ से ट्रेन कराई है। ट्रेन पे मैं पहले लंदन जाऊँगा, लंदन से मैं फ्लाइट लूँगा। उससे पहले मुझे ज़रा घर सीधा करना है, तो खिड़कियां विड़कियां जो हैं वो बंद करके जानी है। बेड मैंने सारा बना लिया, वो सॉक्स मैंने अभी पहने, सूटकेस मेरा तैयार है। सोचा था हैंड कैरी भी लेके जाऊं, लेकिन हैंड कैरी जो है वो बहुत अजाब होता है उठाना, कैरी करना। मैंने सोचा कि आराम से एक बैग में मेरा सामान आ जाएगा। वैसे मेरा सामान इतना ज्यादा है नहीं, मैंने डाल बहुत ज्यादा लिया, जस्ट इन केस। पासपोर्ट वगैरह सारी चीजें उस बैग में है, अंदर लैपटॉप चार्जेस वगैरह। ये क्यों खुला हुआ, इसको जरा बंद करें। ये आपके भाई ने सारा साफ कर लिया था, वो जूते पहनने इसलिए वहां पड़े हैं। एंड रात को मैंने जितने भी कपड़े थे मैंने सारे के सारे वॉशिंग मशीन में डाले। मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि बाय द टाइम अनिया कम्स बैक उसको घर जो है वो बिखरा हुआ मिले। मैंने कहा अच्छी बात नहीं होती, घर जब छोड़ के जा रहे हैं तो साफ छोड़ें। मैंने तो डिशवॉशर भी ऑलमोस्ट सारा लोड ही कर दिया, अभी बस मैं चलाने लगा हूँ थोड़ी देर में। मैंने कहा ये ड्राई हो जाएंगे, फिर अनिया आगे निकाल लेगी। ये अनिया ने खाना बनाया हुआ था, मैंने कहा रास्ते में भूख लगेगी। बाहर से महंगा भी मिलेगा, ओवर प्राइस भी मिलेगा, हलाल भी नहीं मिलेगा। बेहतर ये है कि ये टपरवेयर के अंदर था। मैंने कहा ये अच्छा पिचकू सा टपरवेयर है, बड़ा भी होता है छोटा भी हो जाता है, वापस ले आएंगे। जैसे अम्मा के डब्बे कहीं नहीं छोड़ सकते ना, वैसे बीवी के भी डब्बे कहीं नहीं छोड़ सकते। तो चम्मच का जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि डिस्पोजेबल चम्मच नहीं है। थोड़ा सा केचप क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा सा बैड सीन ये कि जो ड्राइंग रैक है वो मैंने फोल्ड करके डाल दिया। उसके बाद पता लगा कि और भी कपड़े हैं, तो वो कुछ कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं। वो फिर मैंने अनिया को बोला कि प्लीज़ माइंड ना करना, ये 2-4 कपड़े हैं ज़रा उठा लेना। रूम की भी खिड़की बंद कर दें। मोल्ड से आप लोगों ने हमें डरा दिया है, मोल्ड आ जाता है। तो ये जरा हमने बंद कर दी, दरवाजा खुला ही रखते हैं थोड़ी हवा क्रॉस हो। ये वाली भी खिड़की हम बंद कर देते हैं, हो गई बंद। एक ग्लास पड़ा था उसको हम जरा यहाँ रख देते हैं, ये भी धुल जाए, और इसको चला देते हैं हम। इको भी चलाते हैं, चलिए। काउंटर टॉप भी आपके भाई ने साफ कर दिया। अच्छी बात है कि बाय द टाइम आपकी बीवी वापस आए ना, तो उसको साफ घर मिले, साफ घर मिलेगा तो मूड अच्छा होगा। अच्छा गाइस, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सोच रहे हो कि ब्रूनो का है, तो ब्रूनो का ये सीन है, हम कुछ दिन पहले ना उसका सिटर ढूंढ रहे थे, तो सिटर हमें मिला नहीं। एक हमें जो मिला था, यहाँ पे वेबसाइट होती है रोवर, वहाँ पे आप डॉग सिटर्स जो आपके डॉग का ख्याल भी रखेंगे सारी चीज़ें करेंगे वो होते हैं, पर डे के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। लेकिन इशू ये है कि हम जिस सिटर के पास गए थे वो हाइजीन कंडीशन इतनी अच्छी लग नहीं रही थी, एंड प्लस इतना स्पॉइल्ड है, तो हमने कहा यार ये कहाँ पे यहाँ पे गुजारा करेगा। तो कोइंसिडेंटली हमारी जो बिल्डिंग है उसका एक एनिमल ग्रुप बना हुआ है। उस एनिमल ग्रुप का क्या सीन है, वहाँ पे जो भी लोग होते हैं जो एनिमल्स जिनके पास हैं या जो थोड़े से पैशनेट हैं या वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे पोस्ट करे होते हैं। ग्रुप है आई थिंक 50-60 लोगों का। तो हसन भाई न्योमी से हमने पूछा, न्योमी इज ऑल्सो डॉग ट्रेनर इन केस यू गाइज डोंट नो, उन दोनों ने हमें सजेस्ट किया कि यार इंस्टेड की इतनी दूर देख रहे हो तुम कहीं पास देखो। पास कैसे देखें हम, दैट इज ना मेरी टांगे कांप रही थी। मैंने कहा या तो मैं नहीं जाता या अनिया कह रही थी मैं नहीं जाती, तो हम क्योंकि इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गए थे तो हमने बिल्डिंग से पूछा यहाँ पे कि बैनर वैनर लगा दें। उसने बोला कि यार आपकी तो ऐप है, ऐप के ऊपर आप पोस्ट करें, वहां पर अगर किसी को करना होगा तो वो कर लेगा। तो हमने उसके ऊपर पोस्ट लगाई, हमारा टिंकू सा डॉगी है, कभी ख्याल रख लेगा कुछ दिन के लिए, हम मुल्क में नहीं होंगे, अनिया जा रही है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ, प्रॉपर ख्याल रखना है, 3 टाइम की वॉक है, उसको जरा सॉफ्टी करनी है, प्यार करना है, इतना स्पॉइल्ड है, मेंटेनेंस ज्यादा है। सो 3-4 पीपल शोड अप, दे कमेंटेड ऑन द पोस्ट के हम रख लेते हैं, पैसे आपने इधर भी देने हैं इधर भी हमें ही दे दें। लेकिन पैसा मोटिव नहीं है, वो ये है कि मतलब दे लाइक डॉग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट दे लाइक डॉग्स, और पैसे किसी को बुरे भी नहीं लगते। और सेम फ्लोर पे कोइंसिडेंटली एक कपल में मिल गया, उन्होंने बोला कि हम ख्याल रख लेंगे, हमने उसको बड़ी दफा लिफ्ट में देखा है, मिले हैं हम इससे, तो मैं पहचाना नहीं। तो फिर वो उस दिन आए, हमने उनका इंटरव्यू किया, कैसे ख्याल रखोगे, उसने सारा एक्सप्लेन किया कि नहीं मैं कर लूंगा ये है, और बड़ा अच्छा बंदा लग रहा था। वो कहता मैं कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ और ये पूरा हफ्ता जो है मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से मेरे पास छोड़ दो। मैंने उसको खाना वाना दिया, उसका रेनकोट दिया, उसका तौलिया दिया, स्ट्रीट्स दी, सारी चीज़ें मैंने उसको दी, और मैंने बोला भाई प्लीज़ ख्याल रखना, कल वॉक पे लेके गया तो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बिकॉज वो फिर बैठ जाता है जब मैं या अनिया ना हूँ तो वो फिर चलता ही नहीं है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई थोड़ी ट्रीट शीट दे के इसको चलाओ आराम से, लाइक बॉन्ड विद हिम। तो खैर ही इज गेटिंग अ कस्टम। रात को मैंने उसके पास छोड़ा ऑन पर्पस, आना कि मैं बड़ा अजीब सा मुझे फील हो रहा था, मैं कहा खाली सा घर लग रहा है, बस छोड़ा। मैंने कहा आपके पास जरा रात गुजारे, जरा थोड़ा सा आपको भी अंडरस्टैंड करे। तो ब्रूनो रात को उसके पास रहा, अभी मैं जरा जा रहा हूँ उसको बाय बोलने। गाइस मुझे लंदन से इतना डर लग गया है वीडियोस देख के, स्नैचिंग मैचिंग, तो पासपोर्ट अपना सारा इसमें, तो ये पहले अंदर पहनेंगे, इसके ऊपर जैकेट पहनेंगे कि पिक पॉकेटिंग का कुछ चांस ही ना। बैग पहना, ऊपर ऐसे जैकेट पहना, आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू बी, बट ऐसा कुछ है। और
थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा लेकिन सेफ्टी के लिए कुछ भी, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। बिस्मिल्लाह करते हैं, चाबियां उठाऊं। हमारा डॉग सिटर है वो भी इसी फ्लोर पे ही है, लिटरली राइट अक्रॉस आर अपार्टमेंट, उसका अपार्टमेंट है। अगर जल्दी से फोनों को बाय बोल दो। मैं डाल रहा हूँ, इधर देखो, इधर देखो, मैं डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ, बाय 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 बाय, मेरा गुड बॉय। वैसे ये अंदर नहीं जा रहा, अब ये यहाँ पर बैठ गए क्योंकि इसको मैं नज़र आ गया हूँ। अब मैंने बहन को बोला कि ज़रा स्क्वीकी बॉल करें, ये यही एक तरीका है। ओके बहन, सी यू, बाय बाय। टाइम कम है यार, टाइम कम है। तो मेरी बात काफ़ी लोगों को अनकन्वेंशनल सी लगेगी, शायद अच्छी ना लगे, लेकिन जस्ट वॉन्ट टू स्पीक माई हार्ट आउट। मैंने ब्रूनो को बहुत दफ़ा छोड़ा है, बट दिस टाइम इट फील्स डिफरेंट। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस लीविंग हिम देयर विद अ न्यू पर्सन, दैट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग। आई होप बेन टेक्स गुड केयर ऑफ हिम। बड़ा टाइमली हम पहुँच गए हैं गाइस, 11:06 हो रहे हैं, 11:18 की मेरी ट्रेन है, तो अंदर चलते हैं। गाइस हमारा प्लेटफॉर्म 2, इस पे लंदन पैडिंगटन की ट्रेन जाएगी। एंड गाइस आपका भाई फाइनली लंदन पहुंच चुका है। 2 घंटे का रास्ता था, इतना फास्ट पता नहीं लगा बिकॉज 2 घंटे ज़रा पता नहीं लगते। हम मैनचेस्टर जाते हैं उसमें हम ज़रा थक जाते हैं, अपनी गाड़ी हो तो बंदा ज़रा रिलैक्स पूरी सीट पीछे पीछे करके सो जाता है, लेकिन हमें आदत नहीं, इसीलिए मैनचेस्टर की ट्रेन बड़ी लंबी लगती है, लंदन की इज़ ओके। एंड अभी जब से मैं UK आया हूँ, मेरी लंदन में पहली दफ़ा है, तो अभी जितना फिरते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी मेरी हीथ्रो एक्सप्रेस की ट्रेन है, तो उससे हम जाएंगे एयरपोर्ट की, जरा करते हैं एक्सप्लोरी। हमारा बेचारा कार्डिफ का इतना छोटा सा स्टेशन है, कोई भी चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती, सामने सामने सारी चीज़ें हैं, ये इतना बड़ा है भाई, इतना ओवरवेलम हो रहा है, ऊपर से इतने लोगों को देख के ना कुछ हो रहा है, मतलब एक वो बहुत ओवरवेल्म होने वाली फीलिंग नहीं होती, वो आ रही है। वैसे गर्दन में बहुत दर्द हो गया था गाइस, तो हमने तकिया ले लिया, 40 पाउंड वाला भी था, 40 पाउंड वाला भी, तो मैंने बोला सस्ते वाला ले लेते हैं और 2 किताबें भी ले लें, क्योंकि मैंने बोला फ्लाइट बहुत लंबी है तो किताबें पढ़ते हैं। अनिया से भी मैंने मंगवाई है, पाकिस्तान में ज़रा सस्ती मिलती हैं, मैंने बड़ी अच्छी अच्छी 2 किताबें ली, वो मैं जहाज से सबसे ढूंढ रहा हूँ कि हीथ्रो एक्सप्रेस कहाँ से जाना है। तो मुझे एक बंदे ने बताया कि यहाँ से इसको फॉलो करते जाओ और यहाँ से हीथ्रो एक्सप्रेस जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे ये अंडरग्राउंड से एंट्रेंस आएगी। अब इतना बड़ा बैग पकड़ के ज़रा चलते हैं यहाँ। यार लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। मैंने नीचे WH स्मिथ वाले बंदे से पूछा, मैंने कहा भाई कहाँ है हीथ्रो एक्सप्रेस, लाइक वो ऊपर है ना, कह यार हमारी जो हमें हमारा जो कम्यूट आइटिनरी हमारी करती हैं वो तो है नहीं, तो हमने ये कभी किया नहीं अकेले। फॉलो करते करते मिल गए गाइस हमें हीथ्रो एक्सप्रेस, आपको रखते हैं अंदर, देखिए निकाल ही लेते हैं यार, गले में डालूंगा क्योंकि तो देखिएगा जज तो बड़ा करेगा, लेकिन कम्फर्ट ओवर स्टाइल। जी हीथ्रो सेंट्रल टर्मिनल 3 है हमारा, एयरपोर्ट पर जल्दी जल्दी करें हम चेक इन। यार UK के जो छोटे शहर हैं ना, कम्यूट करना बड़ा आसान है, मतलब मैनचेस्टर जाते हैं ट्रैम ले लेंगे, टैक्सी ले लेंगे, आप कार्डिफ जाते हैं आप बस ले लेंगे। लंदन इज़ अ टास्क इटसेल्फ, एक तो इतने ज़्यादा लोग देखे ना, क्योंकि इतने अरसे से मैंने इतनी सिविलाइजेशन देखी नहीं है, तो इतने लोग देखे भी मैं परेशान हो गया, फिर मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि अनिया हर चीज़ प्लान करती है। अभी अनिया देखेगी तो अनिया बोलेगी अच्छा मेरे बगैर मुश्किल हुई ना। छोटे जगह में मुझे बहुत देर लगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपने ऐप पर क्योंकि सेलेक्ट नहीं किया कि आपको कौन सीट चाहिए, तो आप तो फ्लाइट फुली बुक है, आपको तो सीट नहीं मिल रही। मैं तो मस्के मार के आंटी से बिज़नेस का अपग्रेड मांग रहा था, आंटी तो फ्लाइट भी नहीं दे रही थी। खैर किसी तरीके से हमने फ़्लाइट मिल गई, हमने खाना अपना लेके आए थे एंड ये हमने एक कोटाडो ले लिया, हमने बोला ये भी पी लेते हैं। चेक इन और सिक्योरिटी वगैरह करवा के आपका भाई एयरपोर्ट के अंदर है, मेरा जो गेट है वो भी अनाउंस होने में अभी तकरीबन घंटा है। यूजली आई प्रेफर कमिंग बिफोर टाइम, है ना, चेक इन के टाइम पे एक आंटी बैठी हुई थी, वो कह रही थी आपकी जो फ्लाइट है वो पूरी बुकड है, आपने सीट नहीं चूज़ की थी, तो आपको हम पुरानी वाली फ़्लाइट देते हैं जो उससे पहले चल रही है। मैं सोच रहा चला ही जाता यार, बस ये डर लग रहा था कि ऐसी, मैं सोच रहा था कि गेट तक जाते जाते ही ये ना हो कि मेरी फ्लाइट रह जाए, इसलिए मैंने दूसरी वाली ले ली। मैं अंदर ऐसी विंडो शॉपिंग कर रहा हूँ, विंडो शॉपिंग का प्रॉब्लम ये है कि लेने का दिल करता है और हमें लेना नहीं है, हमने तो खाना भी नहीं लिया, हमने सिर्फ कॉफ़ी ली। खाना हम घर से लेके आए थे, केचप हमने 5 मांगे क्योंकि चावल ज़रा ड्राई हुए थे और फिर हमने खा। सो एक चीज़ आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि आपका भाई ज़ीरो वेस्ट फूड वाला बन गया, खाना ज़ाया नहीं होने देता। अच्छा है, बुरा है, मुनासिब है, जैसा भी है आपका भाई ख़त्म करे। मैंने ये रियलाइज़ किया कि अल्लाह की दी हुई नेमत है भाई खाना, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं लग रही थी जैकेट भी उतार, ज़रा थोड़ी और कर लेते हैं विंडो शॉपिंग। तो गाइस ठीक ठाक इंतज़ार करने के बाद हमारा जो गेट है वो अनाउंस हो गया है, मतलब
मैं सोच रहा हूँ इतनी जल्दी आगे कि गेट भी अनाउंस नहीं, गेट तो अनाउंस हो गया लेकिन डेढ़ घंटे बाद उड़ेंगे, तो अभी मजीद डेढ़ घंटे का और वेट है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको दिखाई दूँ कि मैंने किताबें कौन सी ली, दो ली हैं कि बाय वन गेट दी अदर वन फॉर हाफ प्राइस था, तो मैंने कहा दो ले लेते हैं। ऑनेस्टली पता नहीं कि एक भी पूरी पड़ी जाती कि नहीं, ये हो सकता दोनों ख़त्म कर लें। फ्लाइट बड़ी लंबी है, 7 घंटे की फ्लाइट है, अगर ख़त्म नहीं करते तो किताब से कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। ये मैंने नई हॉबी बनाई है, किताब लाजमी पढ़नी चाहिए। अगर आप घर से ज़्यादा निकल नहीं रहे तो आप एक्सपोजर कहाँ से लें, आप डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंसेस, उनकी थॉट्स जो है वो देखें, एनालाइज करें। ज़रूरी नहीं कि आपने माननी है, सुने, जैसे बड़े और बुजुर्गों की बातें हम सुनते हैं, सही होती हैं कुछ गलत होती हैं, लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करके आप उनके एक्सपीरियंसेस से सीख लेते हैं, वैसे ही किताबें आपको सिखाती हैं। तो ये हमने सीखा, ये हमारा छोटा सा मशवरा है। अभी थोड़ी देर में टेक ऑफ होने वाला है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं लैंड करते साथ ही सो गया एंड जो पूरा दिन है वो काफ़ी ग्रॉगी गुजरा। बेसिकली आपको बताता चलूँ कि मैं आया कहाँ हूँ, मुझे ज़रा खिड़की खोल लें और आपको फिर दिखाएं कि हम कहाँ आए हैं। यहाँ से वैसे आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन जस्टिन कैसे अगर नहीं आई तो गाइज आई एम इन दुबई। दुबई आया था कुछ काम से, हमारी थोड़ी सी स्कीम थी। अनिया पाकिस्तान गई थी अपनी दोस्त की शादी अटेंड करने, वो 2-3 दिन के लिए गई थी और मैं यहाँ पे काम से आया हूँ एग्जैक्टली 3 दिन के लिए। अच्छा, यूके के बाद दुबई आने के बाद ना सारी चीज़ें बहुत ग्रैंड और बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। करो इतना बड़ा रोड, इतनी बड़ी सड़कें, छोटे छोटे से रोड होते हैं हर जगह के, अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट मैं कई तरह ये एक बड़ा चेंज लगता है इतने टाइम के बाद आने के। पाकिस्तान के भी रोड एक्चुअली ना काफ़ी आपको बड़े फील होते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता करते हैं, टाइम बहुत कम है, 8:27 हो रहे हैं और 10 बजे हमें पहुंचना है, तकरीबन 20-25 मिनट्स का रास्ता भी। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कोई वाहिद हूँ जो 7 घंटे के डिफरेंस से जेट लैग हुआ है। अमेरिका से आता है वो बंदा तो समझ आता है कि जेट लैग हुआ है, यूके से आता हूँ मतलब रात को भी मैं जल्दी सो गया, तकरीबन को 10:30-11 बजे मैं सो गया था, उठ भी मैं जल्दी गया, तकरीबन 7:30 बजे मैं उठ गया, बट नींद नहीं पूरी हुई यार, अभी भी ऐसे जैसे फील हो रहा है कि भाई गुड नाइट स्लीप, या तो फिर गुड नाइट स्लीप सिर्फ अपने घर में आती है। मैंने ना वेट टाइम रियलाइज़ किया कि नोइंग टू मच अबाउट समथिंग इज़ ऑल्सो डेंजरस। मैं कॉफ़ी लेने गया और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आई विल हैव कोटाडो विद ओट मिल्क, तो उन्होंने कोटाडो बना दी और मुझे पता है कि वो कोटाडो नहीं है, उन्होंने बेसिकली माकियाटो बना दी। माकियाटो इज एस्प्रेसो मार्क्ड विद फोम, कोटाडो होता है इक्वल अमाउंट ऑफ एस्प्रेसो एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क। मैं आपको कॉफ़ी का भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है और मिल्क का भी एक सटल एसिडिटी को वो हटा देता है जो मिल्क होता है। तो आई ऑल्सो डोंट वांट टू साउंड लाइक अ स्नॉब, बट आई नो माय कॉफ़ी अपनी लामर्जो को बड़ा मिस कर रहे हैं। अनिया भी मुझे पाकिस्तान से बोले कि एस्प्रेसो की कॉफ़ी अच्छी नहीं लग रही, कर करा के अब ये हमने कोटाडो जो है बनाई है, मैंने पी थी बट अच्छी नहीं थी, बट अभी नाश्ते में यही है भाई, जो है यही है, गुजारा करना पड़ेगा, बट इट्स ओके, इतना भी फिर स्पॉइल्ड ब्रेड नहीं बनते। चलें गाइस नाश्ता करके अप एंड रेडी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बेसिकली ब्यूटी एक्सपो में मुझे जाना था जो कि बड़ा ज़रूरी था, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चले भाई ने मैं बोला कि यार आप यहाँ उतर जाएँ क्योंकि आगे ट्रैफिक बढ़िया, आप लेट हो जाएंगे। मैं कहा टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम ज़रा पैदल ही जा रहे हैं। गाइस आपको ज़रा एक ग्लिम्प्स दिखाते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो ब्यूटी एक्सपो है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोज, शेख सईद हॉल्स। हम वैसे कहीं भी जा सकते हैं लेकिन पहले बैज लेना है, बैज के अंदर डालना है फिर चलते हैं। गाइस एक्सपो का इंडोर सीन कुछ यूँ होता है, डिफरेंट स्टॉल्स लगे होते हैं, पवेलियंस बने होते हैं, तो लोग नेटवर्किंग करने आ रहे होते हैं, बिजनेस कोई लेने आ रहा होता है, कोई देने आ रहा होता है, सो ये कुछ सीन होता है। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है बेसिकली दुबई का। सो गाइस मैं एक्सपो पे तकरीबन कोई 8 घंटे की एक्सपो थी और एग्जैक्टली मैं 8 घंटे ही था। मैंने कहा हर एक मोमेंट को यूटिलाइज करते हैं, नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए मैंने ऑप्ट किया था कि मैं जाऊँ, एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मैंने कहा वाई वेस्ट दी अपॉर्चुनिटी, चाहे यूके से जाना पड़े, चाहे अमेरिका से जाना पड़े, जहाँ मर्जी से जाना पड़े, हम तो जाएंगे। अनिया को जाना था भाई पाकिस्तान, मैंने कहा मैं तो ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दूंगा। अनिया को बहुत पुश कर रहा था कि मेरे साथ चलो, बिकॉज अनिया हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट देन आई डू। तो मैंने कहा यार मुझे ज़रा हेल्प ही हो जाएगी, मेरे साथ चलो। कहती नहीं मुझे ज़ारा की शादी पर जाना है। तो मैं कहा ठीक है भाई, अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अभी मैं उठाऊँ, आपको मेरी शक्ल से आइडिया हो रहा होगा कि मैं सो गया था। 6 बजे एक्सपो एंड हुई है, 6:30 बजे जाके मुझे कोई टैक्सी मिली है, बिकॉज जो ये सारा एरिया है ट्रेड सेंटर वाला, ये जैम पैक्ड होता है। आई डिड नॉट नो दिस, मतलब कि हाँ मुझे पता है कि पीक आवर होता है, ट्रैफिक होती है, बट इतनी मतलब कि इट वॉज बेयरली अ 10 मिनट ड्राइव, और वो 10 मिनट की जो ड्राइव है वो तकरीबन कोई आधे घंटे से भी ऊपर हुई। भाई सीनियर 7:30 बजे मैं वापस पहुंचा और आते साथ ही मैं टन,
क्योंकि मैं इस लेवल का थक गया था, खाना ही बड़ा मैंने जुगाड़ू खाया, वहाँ पे कैंटीन थी, थाई ग्रीन करी मैंने ली। थिंग अबाउट दुबई, भाई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हलाल है नहीं है, एवरीथिंग हलाल। मैं सोचता हूँ कि यार बाकी दुनिया भी अगर यही अडेप्ट कर ले प्रैक्टिस, कितनी अच्छी बात है। तो खैर मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, आगे फिर हम सो गए पूरी की पूरी, क्या की मतलब 2-3 घंटे सोए और फिर उठ गए। अब क्यों उठे हैं? रात के इस टाइम 12 बज रहे हैं, 12 बजे रात के, यार मतलब सो के उठने का तो कोई पॉइंट नहीं बनता, आप तो सोने जाते हैं यूजली इस टाइम। लेकिन स्पेशल रीजन है, वो ये है कि हम अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट और हमारा जो रिश्ता है वो बड़ा क्लोज क्लोज है, बड़ा क्लोज नेट होता है। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट बड़े जरूरी काम से, आपको भी लेके चलेंगे, आपको भी साथ दिखाएंगे। तो गाइस दुबई आते साथ ही हमने ना ये वायरल चॉकलेट थी फिक्स, वो आपने देखी होगी जिसके अंदर पिस्टाशियो होता है, तो ये आई थिंक हेज़लनट वाली है और बाकी इसके अंदर जो हैं वो पिस्टाशियो वाली हैं, ये जैसे ये पिस्टाशियो वाली है। तो ये अभी हमने खा के देखी, मतलब कि अजीब सी बात है कि रात के टाइम पर मैंने अभी तक डिनर नहीं किया। खाना क्यों नहीं खाया वो एक अलग बात है, लेकिन सोचे खाना नहीं खाया, चॉकलेट ऑलमोस्ट मैं सारी खा गया है। अब एक तो हाईली पैलेटेबल फूड होता है, खाते खाते पता नहीं लगता कि ख़त्म कब होगी, क्योंकि थोड़ी सी रहती है। मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ से इसके ना पिस्टैशो क्रीम और ये कुनाफा वाली चीज़ें होती हैं, है तो बड़े मज़े की। इसने भी इन्वेंट की है, बड़ी अच्छी मार्केट क्रैक की यार, मतलब दिस इज़ ट्रूली वेरी इंप्रेसिव। मतलब वो कहते हैं ना, हाउ कैन यू इनोवेट चॉकलेट, चॉकलेट में भी कुछ निकाल दिया। ठीक ठाक महंगी चॉकलेट है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, अनिया को उसकी प्राइस पता है, बट इट्स नाइस यार। मतलब सोचें वैसे आपको चॉकलेट दुकान से मिल जाती है, इसके लिए लाइनें लगी होती हैं यार, इंटरनेट पे वायरल थी, हमने सोचा हम भी ट्राई करके देखें, एंड इट्स वेरी नाइस। खाया ने इसका एक डूब बनाया था घर पे, सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा बनाया था, उसको हम वापस डालते हैं, हम बहुत ज़्यादा ना खा लें। चलें गाइस ज़रा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो, 1 मिनट के अंदर अंदर गाइस हमारी टैक्सी भी आ गई, चलते हैं रवाना होते हैं एयरपोर्ट की तरफ। अच्छा गाइस मैं बता भी देता हूँ कि एयरपोर्ट में क्यों जा रहा हूँ। एयरपोर्ट जाने की स्पेसिफिक रीज़न है वो ये है कि अनिया की फ़्लाइट थी पाकिस्तान से UK, फिर मुझे याद आया कि अनिया के पास एमिरेट्स ID है, तो जितनी जल्दी एंट्री लगा लें, लास्ट हमने लगाई थी जुलाई अगस्त में, तो अगर आप 6 महीने के अंदर, हमें किसी ने बताया नहीं था पहले, फिर हमें पता लगा कि 6 महीने में आपको UAE में एंट्री लाजमी लगानी है, चाहे आएँ लगाएँ और चले जाएँ, लेकिन लगाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं लगाई तो आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो ये हमें किसी ने बताया नहीं था। और उसके बाद फिर आप फ्लैग भी हो जाते हैं, आपको अगर आप ट्रांजिट भी करें तो आपको रोक लेते हैं। लोगों ने बोला कि भाई ये पंगे नहीं लेना, तो हमने फिर अनिया की टिकट चेंज करी, हमने बोला कि दुबई से होते हुए चली जाओ। ट्रांजिट जो था वो है तकरीबन 7-8 घंटे का, 7-8 घंटे का, 6 घंटे का तकरीबन, 6 घंटे का बन रहा है, 5 घंटे का बन रहा है, समथिंग लाइक दिस। हमने सोचा कि हम ज़रा फिरते हैं, ज़रा चिलिंग करते हैं, पाकिस्तान से अभी दुबई आ रही है, फिर हम ज़रा चिलिंग वगैरह करेंगे, फिर हम उनको एयरपोर्ट वापस ड्रॉप करेंगे, वो वहाँ से UK चले जाएंगी, हमारा 2 दिन का काम यहाँ पे और है, फिर हम अपना काम यहाँ से ख़त्म करके फिर वापस UK जाएंगे। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि मतलब ठीक है दुबई लेंगे, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत जगह जाने को, लेकिन यार अकेले मज़ा नहीं आता। ज़ाकिर खान बोलता है कि भाई मज़ा जगह से थोड़ी आता है, मज़ा तो लोगों से आता है। हम उतने ज़्यादा लोगों को जानते नहीं, हमारा एक दोस्त है जिससे हम मिले, दूसरे दोस्त को हमने कॉल की, वो अगर मिल ले तो फिर हम चले जाएंगे, मिल लेंगे थोड़ी देर, लेकिन कितनी देर आप बैठेंगे, घंटा 2 घंटा, क्योंकि अनिया हमारे साथ नहीं है तो हम बोर बड़े हो। एवरीथिंग इज़ ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी चीज़ में, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, नाश्ता करने में मज़ा नहीं आ रहा, लंच कहीं करने का दिल ही नहीं करता, ऐसी बस टेक अवे बॉक्स शॉक से कुछ ले लिया, बस पेट भर लिया, डिनर करने का दिल ही नहीं कर रहा था। अगर अनिया ना आते, अभी हम सोच रहे हैं कि हम जाएँ, इज़ ए 24/7 साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, वी लव साउथ इंडियन फूड, जो केरला फूड होता है दैट इज़ अमेजिंग। एक मैंने गूगल किया तो वो 24 घंटे खुला है, अदरवाइज जितने भी बाकी रेस्टोरेंट्स हैं वो 2 बजे बंद हो रहे हैं। अभी हो रहे हैं 12:30, अगर तो अनिया निकल गई हुई, जो कि हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि उसने बोला था पावर बैंक लेके आना, और पावर बैंक मैं भूल गया, मैंने चार्ज पर लगाया था उसके लिए और फिर मैं भूल गया, बाकी उसकी चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ। मैं अभी सोच रहा हूँ कि गुस्सा करेगी कि मेरा फ़ोन डेड है, बट तो भाई है कहीं से कुछ ना कुछ पावर बैंक लेते हैं, दुकानें तो खैर बंद होंगी, कोई अल्लाह का बंदा, कोई किसी का चार्जर वार्जर लगाओ तो लगा लेंगे, वरना क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि अगर एक्सपो से आके सोया नहीं, फिर सारी रात बाहर रही, प्रोडक्टिव एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी, बिकॉज़ वहाँ पे नींद आएगी, बिकॉज़ सोया तो मैं रात को भी था बट इतनी अच्छी नींद नहीं सोया। इससे बेहतर ये है कि एक्सपो से आके रात तक सोया जाए। आई थिंक आई स्लेप्ट टिल अराउंड फ्रॉम 7:30 to 10:30, बड़ी अच्छी नींद आई, मतलब थकान उतर गई सारी, वो फ्लाइट की थकान, जो नींद नहीं पूरी हुई थी वो थकान। हमने सोचा था कि अनिया के साथ करेंगे इन्जॉय, क्योंकि भाई वेदर यू लाइक इट और नॉट, UK में बाहर अच्छा खाना नहीं मिलता। आपका दिल करता है ना भाई अच्छा खाना खाने,
तो मैं बाहर जा रहा हूँ इतने पैसे लगा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे खाना है भी महंगा। बड़ा टेक अवे भी आपको 25-30 पाउंड का मिलता है। चाहते हैं कि बाहर अगर मैं खाना खाऊँ तो कोई अच्छा खाना तो मिले, तो दुबई जैसा खाना आपको कहाँ मिलेगा। दुबई में बेसिकली आपको हाइब्रिड हर तरह का मिलता है, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, जो आप खाना खाना चाहें आपको सब मिलता है। हमें साउथ इंडियन अच्छा लगता है, हमने बोला यहाँ पे खाएंगे बेस्ट। इसी वाले भाई ने मुझे बोला कि मैं आपको डिपार्चर भी बताता हूँ क्योंकि अराइवल पे 15 दिन हम एक्स्ट्रा लगेंगे, आपको लेके तो भी जाना नहीं है। मैं कहा भाई ठीक है चलें चलते हैं। तो ये डिपार्चर से अब लिफ्ट लेके नीचे अराइवल है बोरा, वहाँ से फिर लेते हैं अनिया को। आई होप आ गई हूँ, अराइवल तो आ गए, अनिया को ढूंढते हैं। गाइस देखिए कौन आ गया है। मेरे बगैर अभी तो बोल मिस करने का ये तो नहीं मतलब कि एंजॉयज नहीं कर सकते। ट्रू ट्रू। हाउ इज योर फ्लाइट? इट्स ओके, वेरी स्मॉल, शॉर्ट एंड स्वीट, क्विक। अब चलें। बिरयानी बहुत मुझे खिलाई उन्होंने फ्लाइट में, क्योंकि अनिया को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसकी चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो कर तो दी। सही है, पावर बैंक खरीद लिया हमने। थोड़े वाला है ना, तुम रखना अपने पास। यार वो बहुत अच्छा है, वो 40,000 mAh है। हाँ वो रखना। दिस इज 26,000। ये रेंज रोवर देखे ना, नहीं बोलती है चाहिए। चाहिए तो मुझे भी, मसला ये पैसे नहीं है, पैसे चाहिए। पैसों से आएगी, नई वाली है। कहाँ से? ट्रू जानते तो आपको पता है क्या? 2.7 pounds इतना छोटा सा। सबसे पहले अनिया को हमने मेरी करेंसी, टाइम जोन सब आउट चल रहा है। सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी चल रहा है। 3 time zones in the past 3 days। चलो कहाँ है चेकआउट? वो सेल्फ चेकआउट, वो कोने पे उधर। गाइस आपके भाई ने पूरी आइटेनरी प्लान की हुई है। ये जो अनिया, कितने घंटे का तुम्हारा स्टे भी? 7 hours 40 minutes का, but I have to go back at least 2 hours before. तो गाइस बेसिकली हमारा 3-4 घंटे, 3-4 घंटे में हमारा जो दिन है वो स्टार्ट होगा कीर्ति रेस्टोरेंट से, विच इज राइट हेयर। इट इज अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट दैट इज ओपन 24 hours। ठीक है, आपको पता मैं चिकन परोठा बहुत अच्छा, तो यहाँ पे चिकन परोठा खाएं। वो देखें, ओपन 24 hours, क्या बात है। दिस इज कीर्ति, और इसका जो रिव्यू है, मम्मा की एक दफ़ा ज्वेलरी लेने आया था यहाँ पे, तो एक बंदे ने मुझे बोला था बहुत फिट है। गाइस कीर्ति रेस्टोरेंट हम लोगों ने मंगवाया 24 hours वाला। मैं आप लोगों को दिखा रहा, मेरा तो दिल कर रहा था कि जो मुझे नजर आए मैं सारी चीजें ऑर्डर करूँ। ओ हो यार, साउथ इंडियन। मैं गाइस आपने अगर जिंदगी में, हम लोगों ने मंगवाया है थोड़ा सा बीफ, नहीं करी नहीं, वो बीफ कोकोनट फ्राई, श्योर रसा, अच्छा हाँ, स्मॉल सर्विंग। और दूसरा हमने क्या मंगाया? हम लोगों ने मंगवाया है मटन लेग बटर मसाला, cuz I was craving that is a north indian thing, south indian I want to have it, it's easy to make, anyone can make it. ओके ओके ओके। एंड देन हम लोगों ने मंगवाया है, ओ हो हो हो, ये मैंने परसों खाया था, आतिनकाल मुशमन, आई थिंक ऐसे नहीं, आतिनकाल मुशमन, आतिनकाल मुशमन मटन लेग बेसिकली विद थिक ग्रेवी। उफ क्या मजे। और साथ क्या है? साथ क्या? परोठा एंड अप्पम। That guys आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आपने खा लिया। Guys ये है मटन, जो कि मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये 2 लोगों की सर्विंग, और अनिया तो खा नहीं सकती है, ये ज़ाया करेगी अनिया। सो ये फ्रेश आपके सामने ला के काटते हैं, वो है कोकोनट बीफ एंड ये है अप्पम, जो हम बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। ओ हो 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 हो, I think I'm in love with South Indian food. It's so good. They're very tasty. Where are you from? Kerala. Kerala. Do you think this is authentic? Kerala. Yeah. Same taste like in India? Yeah, same. I don't eat mutton. Oh. And also the same masala. And you eat chicken or no chicken either? Same chicken. Beef and all that. Okay. Guys, मतलब आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस, मेरी थोड़ी सी गंदी आदत है, मैं कीड़े वीड़े बड़े निकालता हूँ और ज़रा तारीफ में ना कंजूसी करता हूँ, बट अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि साउथ इंडियन फूड इज़ अ होल एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, आप ये सोच सकते हैं कि क्या ही एक्सपीरियंस होगा। दुबई अगर आपका चक्कर लगे तो लाजमी, इंडियन लोगों को भी, काफ़ी ऐसे इंडियन थे जिन्होंने नहीं खाया होता। गाइस यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग सो वैल्यूएबल, कदर आएगी, नेक्स्ट लेवल।
ये मैं नहीं, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पड़ी है ये, तो मैंने तुम्हारे मिकी के लिए भी मंगवाई थी अली, वो सारी मेरी नहीं है। ओ, एक तो है ना, तो वो बहुत हैवी है, खाई भी नहीं जाएगी। अच्छी लगी थी। कितने की थी वैसे? 68 के हिसाब से बहुत महंगी है, नॉट वर्थ इट। लेकिन ये जरा देख के खाना, वो पुड़प करके पिस्टैशो क्रीम निकलेगी इसकी। You don't like it? मज़े क्या? But is it worth 68 dirhams? No. हमने वाला भाई, क्योंकि मुझे सोना भी है, मुझे सुबह उठना है बहुत जल्दी, 7 बजे मुझे उठना है, तो पॉसिबल नहीं होगा कि फंक्शनल रहूं, तो जाके थोड़ी देर नैप ले लेते हैं, बिकॉज अनिया की फ़्लाइट है 7:45, तब तक क्या करेंगे, तो इससे बेहतर मैं एक होटल आ जाते हैं। हमने तो ये किताबें ली थी, आपको मैंने दिखाई थी, लेकिन अनिया ने भी हमारे लिए 2 किताबें ली हैं, जो कि हैं 0-1 एंड सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग FCK, मतलब हराम, मतलब इसीलिए हम ज़रा आपको वो खुल के बता नहीं रहे, लेकिन यू नो व्हाट इट इज। नाउ वी हैव 4 बुक्स टू रीड। निया जा रही है एंड हम लोग सो गए थे, नींद ही पूरी नहीं हो रही, तो हमने कहा यहीं से बाय बाय बोल देते हैं। बाय, टेक केयर, बाय। सो गाइस, दिस वाज माय शॉर्ट, आवर शॉर्ट ट्रिप टू दुबई। अनिया का एक ट्रांजिट था और मुझे रुकना था, जल्दी हमारी भी वापसी की फ़्लाइट है। और मैंने रियलाइज़ किया कि यार वापस घर जाके ना, इट फील्स वेरी नाइस, मतलब अपनी रूटीन में सेट होना, अपने टाइम से जल्दी उठना, जल्दी सोना, इज़ वेरी नाइस। अब सिचुएशंस डिक्टेट करती है ना, वो किस टाइम उठना, फिर आप ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई फ़्लाइट की थकान है, फलाना ये वो, नींद पूरी करना, ना ना। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो बैक होम, गेट बैक इनटू माय रूटीन, बिकॉज आई लव माय रूटीन। तो खैर, इस वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, से मुलाकात होती है इंशाल्लाह जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अनटिल देन अल्लाह हाफिज़।